हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। तो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ एक ब्राइडल हेयर स्टाइल। सो अगर आप ये हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर लेना है और क्रिम्पिंग कर लेना है। सो जो अभी ये कर रही थी उसे ही क्रिम्पिंग कहा जाता है। सिंपली आप ईयर टू ईयर सेक्शन कर लीजिए, क्रिम्पिंग कर लीजिए। आप पीछे वाले बालों को क्रिम्प ना कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप ना पीछे जो बच जाते हैं ना हमारे हेयर, उसे अच्छे से टाई कीजिए पोनीटेल की हेल्प, मतलब एक रबर बैंड की हेल्प से। और आपको अच्छे से स्प्रे भी यूज़ कर ताकि आपकी हेयर अच्छे से सेट हो जाए। सो जो पीछे वाले सेक्शन होते हैं ना, सिंपली आपको बस उसे ही टाई करना है। और फिर आपको क्या करना है, रबर के ही बीच में आपको जुड़ा पिन को फिक्स कर देना। उससे क्या होता है, आपका रबर कभी भी हिले डुलेगा नहीं। उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट होता है टीका फिक्स करना। सो क्या करना है आपको, मैंने पहले ही ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर दिया। अब आपको बीच मांग करना है और आपको टीका फिक्स करना है। सो जो मैंने क्या किया है, मैं बताती हूँ एक ट्रिक आप लोगों को। आप ना टीका के जो पीछे वाले भाग होते हैं ना, उसमें आप ना कोई से भी पतले से डोरी लगा दो, यानी कि ब्लैक कलर की आती है ना गाइज, धागा या कुछ भी आप लगा सकते हो। उसके बाद इस तरह से फिक्स कीजिए टीका को। इससे क्या होता है, आपका टीका ना कभी भी इधर उधर जाएगा नहीं, ना हिले डुलेगा। और उस धागे को जो ब्लैक कलर का मैंने यूज़ किया, रोल कर दीजिए जहाँ पे आप बॉबी पिन को यूज़ कर रहे हो। ये वैसे टीका तो लंबा था, अगर जिनकी टीका छोटी रहती है ना गाइज, सो आप क्या करो, जहाँ पे यू बना हुआ रहता है ना, वहाँ पे आप इस तरह से कोई भी धागा ऐड कर दो और इस तरह से टीका फिक्स कीजिए। बहुत ईजी होता है। आगे में वाले सेक्शन को भी आपको पीछे की ओर ला के सेट करना है। और इनके फोरहेड ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए आपको थोड़ा ऊपर ही टीका फिक्स करना है। उसके बाद आप छोटा छोटा सेक्शन ले लीजिए, इस तरह से आप एकदम छोटा छोटा सेक्शन निकालिए और आप बैक कॉम्बिंग कीजिए। उसके बाद आप स्प्रे को वहाँ पे दीजिए ताकि वो फिक्स हो जाए। बैक कॉम्बिंग से क्या होता है, हमारे हेयर में बाउंस आता है। उसके बाद आप इस तरह की स्टफिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली मिलती है, या फिर आप अपने हेयर से भी बना सकते हो जो आप अपने पार्लर में कट करते होंगे। इस तरह से रोल कर लीजिए। उसके बाद किसी भी बॉबी पिन या जूरा पिन की हेल्प से उसे फिक्स कीजिए। आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये ना इसके अंदर बाल रहता है। सो आप इसमें टक करोगे ना, वो इजीली टक भी हो जाता है, जैसे मैं सो कर रही हूँ। आप चाहे तो विदाउट स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टफिंग इसलिए देना ज़रूरी होता है ताकि आप दुपट्टा जब इनके सर पे दोगे ना दुल्हन के, वो इधर उधर नहीं जाता है। फिर इस तरह से सेक्शन डिवाइड कीजिए और आगे में कुछ इस तरह से लग रहे हैं। आप देख सकते हो कि इनकी फोरहेड ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने हल्का टीका ऊपर फिक्स किया। ये सब ट्रिक होता है गाइज, आप इस सबको बात को ध्यान रखें। उसके बाद इसी तरह छोटा छोटा सेक्शन ले और पीछे की ओर लाए, अच्छे से कॉम करें। जब आप बैक कॉम्बिंग कर ले तो ऊपर की ओर आप हल्के हाथ से ही कॉम यूज़ करें, वरना आपकी जो बैक कॉम्बिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी। और इस तरह से आप अपने बॉबी पिन या किसी भी क्लिप की हेल्प से उसे टक कर सकते हो। आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना है, पहले आपको मिडिल में लेना है, फिर साइड में लेना है, दोनों साइड से, जैसे मैं शो कर रही हूँ। बहुत ईजी होता है गाइज। और बैक कॉम्बिंग करके स्प्रे का ज़रूर यूज़ करें। यहाँ मैं गिट्सबी की स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। सो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसी तरह से करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको ना अपने मांटिके में टीका में आपको धागा नहीं फिक्स करने आता है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको डिटेल में उसमें बताऊंगी कि धागा को कैसे फिक्स किया जाता है। सो अब जो भी हेयर बच गए थे ना हमारे आगे, उस हेयर को मैंने एक साथ ही ले लिया है और अच्छे से मैंने बैक कॉम्बिंग किया और स्प्रे ले को मतलब उस पर डाल दिया ताकि वो फिक्स हो जाए। और आपको ना बार बार आगे से भी चेक करना है एक बार जाके कि कहीं इनके हेयर अच्छे तो लग रहे हैं, आगे से इक्वल तो लग रहे हैं, कहीं ज़्यादा फूले तो नहीं हैं। इन सब बात का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आगे जाके इनके देखूंगी कि इनके फेस पे वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं। फिक्स करने से पहले आप इन बात का बिल्कुल ध्यान रखें गाइज। सो मुझे लग रहा है कि इनकी ना फेस अभी दबी लग रही है। सो मैं थोड़ा सा सेक्शन फिर लूँगी और हल्का बैक कॉम्बिंग करूँगी ताकि बाउंस आ जाए हमारे हेयर में। उसके बाद जो बचे हुए हेयर है ना, मैं उसे टक करूँगी। सो ये हेयर स्टाइल बहुत इजी है, आप इजीली बना लोगे। आप आगे से देखो कैसे लग रही है। सो ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से टीका फिक्स कीजिए, एकदम फिक्स हो जाता है, कभी भी हिलता डुलता नहीं है और परफेक्ट लगता भी है गाइस। क्योंकि टीका ना आप थोड़ा सा फोरहेड जिनकी छोटी रहती है ना, तो ऊपर ही सेट किया कीजिए। ये सब बात का आपको ध्यान रखना है, उससे लुक इन्हेंस होता है।
और सारे बालों को जो मैंने पीछे लाया और अब मैंने टक कर दिया क्लिप की हेल्प से। सो एक बार ना आप अपने क्लाइंट से भी पूछ लिया करें कि मैम आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं, तो इन्हें ये पसंद आया तो मैंने इन्हें एक बार दिखा दिया और आप भी आगे से देख सकते हो। उसके बाद आपको फिक्स कर देना है स्प्रे की हेल्प से एक फिनिशिंग लुक के लिए। सो आगे के हेयर कंप्लीट है। सो ये बहुत इजी हेयर स्टाइल है। अगर आप ये ब्राइडल हेयर स्टाइल ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये इजीली आप कर लोगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर आगे से लग रहा है, और इनका मेकअप ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सो आप प्लीज़ चेक कीजिए अगर आपको यही ब्राइडल मेकअप देखना है इनका, मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। उसके बाद जो पीछे वाले सेक्शन है उसमें मैंने बन को फिक्स किया। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कोई सा भी बन लेना है अंदर डालना है बालों के, उसके बाद इस तरह से बालों को फैला देना है और एक कोई सा भी रबर ले लीजिए, फिर रबर में ना बॉबी पिन या जुरा पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लीजिए ताकि आपका रबर हिले डुले ना गाइस। उसके बाद इस तरह से आप बालों को रोल कीजिए और अपने बालों के चारों साइड राउंड कर दीजिए। सबसे इजी मुझे लगता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं हो ना, आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, आपके क्लाइंट को भी और आपको भी बहुत ईजी लगेगा। इस तरह से बस दो ब्रेड वाली मैंने की है। उसके बाद ना मैंने इसी के ऊपर ना इन्हें फ्लावर से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो जूड़ा गजरा का भी यूज़ कर सकते हो गाइज। सो इस तरह से मैंने दो फ्लावर को मिक्स करके यूज़ किया है। मैंने रेड और वाइट का मिक्सचर लिया है। आप चाहे तो गजरा का भी यूज़ कर सकते हो गाइज, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इन पे सूट भी बहुत अच्छा कर रहा था गाइज। आप ना एक वाइट दो एक रेड दो तभी ये फिनिशिंग लुक लगता है। सो गाइज़ आप मुझे बताओ कमेंट करके कि ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा। इजी है ना, मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताया है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, विद इन 15 मिनट्स आप इस जूड़े को बना भी लोगे। सो ये है फाइनल फिनिश लुक पीछे से जूड़े का, कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं अब आपको आगे से दिखाती हूँ। सो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही। इनके मेकअप भी बहुत ही अच्छी हुई थी, मैंने मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो डाल चुकी हूँ, आप प्लीज़ चेक कीजिए अगर आपने नहीं देखा है अब तक। और गाइज आप फाइनल लुक देख सकते हो। आप ना ज्वेलरी पहले भी इन्हें वेयर करवा सकते हो अपने क्लाइंट को, मैंने इन्हें बाद में वेयर करवाया। अगर आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप पहले भी वेयर करवा सकते हो। सो ये है इनका फाइनल फिनिश लुक, मैंने सब कुछ इन्हें वेयर करवा दिया है। सो कैसी लग रही है ये ब्राइड और इनका ब्राइडल हेयर स्टाइल मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।